में गए, तो कैसा था आपका इस मूवी के लिए शूटिंग का एक्सपीरियंस? शूटिंग के लिए एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि ये सैराट का ऑफिशियल अडेप्टेशन है हिंदी में, तो सैराट तो नागराज मंजुले जी ने एक लेवल तक मतलब बनाई ये फिल्म, वो लेवल तो मतलब कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब मैं बीइंग ए महाराष्ट्रियन, मैं भी सैराट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से इंस्पायर्ड होके अडाप्ट किया है, और सोच बदली है, जगह बदली है, पहराव बदला है, रिलेशनशिप बदली है, तो वो नयापन इसमें धड़क में आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी यंग स्टार थे शूटिंग के वक्त, माहौल कैसा था? यंग, हाँ यंग तो है काफ़ी स्टार का, सब यंग है, ईशान खत्तर है, जानवी कपूर है। शूटिंग का माहौल तो मतलब बहुत मज़ेदार था, मतलब हम लोगों ने वर्कशॉप भी की इस फिल्म के लिए, मतलब 2-3 महीना पहले से शुरुआत किया था हम लोगों ने, तो हम लोग धर्मा प्रोडक्शंस में ऑफिस में मिलते थे, वर्कशॉप करते थे, सीन्स हम लोग लाइन रिहर्स करते थे, सिचुएशन, फिर शशांक खेतान जी हमको बता देते कि ये आप मतलब यहाँ पे ही वर्कशॉप में इतने प्रिपेयर होके जाओ एज एन कैरेक्टर, ताकि वहाँ पे मैं आपको कहीं भी चलने बोलूँ, कहीं भी बैठने बोलूँ, तो आपको मतलब वो मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए, तो वो ईज़ के साथ वहाँ पे होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो हम लोगों ने शूटिंग तो की, मतलब 2-3 जगह पे, 3 या 4 जगह पे शूटिंग की है। हम लोगों ने शुरुआत की उदयपुर का तो क्या कहना, मतलब बहुत ही बढ़िया शहर है उदयपुर, मतलब तालाब और छोटी छोटी गलियों का शहर है, कलरफुल है, तो उदयपुर में तो बहुत मज़ा है। हम लोग जब शूटिंग नहीं रहती तो हम लोग, मैं, ईशान, जानवी और एक हमारा मित्र का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ये फिल्म में, अंकित बिष्ट, तो हम लोग घूमने निकलते थे, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, और छोटी छोटी गलियों में घूमते थे, वहाँ के लोगों को मिलते थे, वहाँ का खाना खाया हम लोगों ने, तो ऐसे बहुत मज़ा है वहाँ पर। राजस्थानी बैकग्राउंड का मतलब उतना तो मुझे पता नहीं था, लेकिन हमारे डायरेक्टर शशांक खेतान जी, वो खुद मारवाड़ी है, तो फिल्म शूटिंग के पहले हम लोग को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई गई थी राजस्थान की, जैसे वहाँ पे राजस्थान में उदयपुर में राजाओं का शहर है, हवेली है, तो उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका तौर तरीका, उनका सोचने का तरीका, वो सोचने का तरीका दिखाने के लिए हम लोग को वीडियो क्लिप्स दिखाई गई थी, ताकि वो सोच हम लोग के किरदार के अंदर आए। मतलब मैं जो किरदार कर रहा हूँ ये धड़क मूवी में, मेरे कैरेक्टर का नाम है पुरुषोत्तम, मैं ईशान खत्तर का दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ, और जानवी कपूर जी है वो राजपूत खानदान की लड़की है, जिनके पिताजी राजपूत है, जो किरदार आशुतोष राणा जी कर रहे, तो वो सोच का जो है राजपूत, और थोड़ा सा उनसे जो नीचा है, वो सोच की ये फिल्म है, तो आप मतलब पूरा मैं बता नहीं पाऊँगा, तो आप तो देखिए और मज़ा लीजिए। ओके, जानवी और ईशान जो है और एक आपके जो फ्रेंड है, तो कुछ प्रैंक हुए थे शूटिंग के वक्त, या फिर कोई मस्ती ऐसी चीज़ें की होगी उन्होंने? हाँ, मस्ती तो बहुत हुई थी शूटिंग के दरम्यान, तो मतलब हम लोग, मुझे याद है उदयपुर हम लोग पहुँचे थे, और हम लोग को एक दिन आराम था, और दूसरे दिन हम लोग की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तो ईशान सुबह 5 बजे पहुँच गया, हम लोग का दरवाज़ा खुल के अंदर आ गया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, आज का दिन है, कल से हम लोग को टाइम नहीं मिलने वाला है, तो चलो। मतलब अरे यार, नहाया नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, खाली ब्रश कर लो, मैं सब संभाल लूँगा, तो ऐसे करके लेके गए, और पूरा फिर वो उसने पूरा दिखाया उदयपुर शहर, क्योंकि ईशान और जानवी पहले कुछ रेकी के लिए गए थे, और उन्होंने देखा था, उनको पता था वैसे,
तो वो तो मज़ा आया ही। और शूटिंग के दरम्यान तो काफ़ी मतलब उदयपुर के लोकेशंस थे, जयपुर के लोकेशंस थे, जैसे बावड़ी वाला है तो वहाँ पे ठंड का मौसम था, तो बावड़ी का तालाब का पानी इतना ठंडा था, तो मतलब वो दिक्कत तो आई लेकिन मज़ा भी आ रहा था वैसे सीन करने में। फिल्म का कोई एक फेवरेट सीन आप बता सकते हैं आपका, जो काफी फेवरेट रहा आपका या आइकॉनिक था, कुछ यादें भी हुए ऐसा कोई सीन? अभी तो मतलब काफ़ी सारे फेवरेट सीन्स है, काफ़ी सारे आइकॉनिक सीन्स भी बने हैं, वो मैं अब रिवील करूँगा तो शायद लोग बोलेंगे कि यार मतलब पहले से बता दिया, या फिर वो थोड़ा सा सर थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हैव पेशेंस। मूवी आपके फैंस को क्या कुछ कहना चाहती है इस मूवी के बारे में? फैंस को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप हमारी फिल्म देखिए, ये धड़क जो फिल्म है एक रिलेशनशिप की फिल्म है, कुछ इमोशंस होते हैं, इमोशनल फिल्म है, और एक सोशल मैसेज भी है, मतलब प्यार जो होता है, प्यार वो बोलते हैं ना कि हिंदी में कहा होता है, मतलब हमारी फिल्मी लाइन में बताया गया कि प्यार अंधा होता है, मतलब जब प्यार होता है किसी को तो वो देखता नहीं, अमीर गरीब देखता नहीं, ऊंच नीच देखता नहीं, छोटा नाटा बड़ा कुछ देखता नहीं, प्यार बस हो जाता है। तो धड़क जो ये कहानी है, ये फिल्म है, ये प्यार की कहानी है, और एक नई सोच और एक सोशल मैसेज आपको देखने मिलेगा हमारे फिल्म में। लास्टली पूछना चाहेंगे, शाहरुख की मूवी आ रही है जीरो, उसमें वो एक रॉब का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो क्या आपकी रिएक्शन है इस चीज़ के ऊपर आप? जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है जीरो, जिसमें शाहरुख खान सर वो एक शॉर्ट मैन बॉब का कैरेक्टर कर रहे हैं, हालांकि मैं खुद को डॉप या शॉ बोलता नहीं शॉर्ट मैन, मैं खुद को ऊंचा ही बोलता हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने कभी अपने आप को छोटा समझा ही नहीं, मतलब कोई मुझे पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, तो मैं तो बोलता हूँ कि 8 फीट है, तो सामने वाला पूछता है 8 फीट कैसे, आप तो इतने छोटे हो, मैंने बोला सर 4 फीट ज़मीन के ऊपर है और 4 फीट ज़मीन के अंदर है। एनीवे वो तो ये रहा, तो जब मुझे पता चला कि जीरो फिल्म बन रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद एल राय जी के मतलब मैं तो पैर चूमना चाहूँगा, मतलब कभी मिलेंगे मुझे तो, क्योंकि ये जो उन्होंने सोचा है हम लोग की, ये ऐसे हम लोग के जो पर्सनालिटी के लोग हैं उन पे फिल्म बन रही है, तो ये सोच ही बहुत बढ़िया है सर, मतलब इसके ज़रिए शायद हम जैसे एक्टरों का दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, परसेप्शन बदल जाएगा, क्योंकि फॉरेन में ये परसेप्शन काफ़ी हद तक बदल गया सर। आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ देखी होगी, उसमें पीटर डिंकलेज जी है, उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों का परसेप्शन तोड़ा है, तो लोग उनको ऐसा छोटा है, कम हाइट वाला है, कम हाइट वाला एक्टर है इसके लिए नहीं देखते, और उनके फिल्म में उनके या सीरियल में कभी उनके हाइट के ऊपर कभी जिक्र नहीं होता, मतलब नॉर्मल है, मतलब जैसे हम लोग के घर में कोई किसी घर में कोई मोटा रहता है, कोई लंबा रहता है, वैसे एक हम लोग के स्टेचर वाला पर्सनालिटी वाला बंदा रहता है। तो मैं आनंद एल राय जी को, शाहरुख खान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मुझे भी काफ़ी उम्मीद है जीरो से, अगर ये फिल्म मतलब सक्सेसफुल रही तो शायद लोगों का, इंडस्ट्री का, हम लोग को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जी थैंक यू।